आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों से विरोधियों ने एतराज़ का मुड़ तो प्रगटावा किया। जी हाँ, विधायक प्रगट सिंह ने हुण केजरीवाल भगवंत मान नूं इस मुद्दे नूं लैके घेरिया। जी हाँ, राज्यसभा दे लई चुने गए लुधियाना के व्यापारी संजीव अरोड़ा नूं उन्होंने भ्रिष्ट अते दागी करार दिता है। संजीव अरोड़ा की जायदाद अते वख-वख धंधियां की जांच करवाउण की चुनौती दित्ती है भगवंत मान अते अरविंद केजरीवाल नूं। जी हाँ, तुहानूं दस दईए वड्डा इल्जाम आम आदमी पार्टी के उपर लगातार विरोधी लगा रहे हैं कि गैर पंजाबियों नूं राज्यसभा दे विच पंजाब दी नुमाइंदगी करन दे लई भेजा गया। जी हाँ, जिहड़े नुमाइंदे चुने गए ने वह गैर पंजाबी हैं। इस दे नाल ही वड्डा इल्जाम प्रगट सिंह ने अज होर लगाया उन्हां राज्यसभा दे लई चुने गए लुधियाना के व्यापारी संजीव अरोड़ा नूं भ्रिष्ट अते दागी शख्स करार दिता है। नाल ही संजीव अरोड़ा की जायदाद अते वख-वख धंधियां की जांच करवाउण की चुनौती उन्हां भगवंत मान नूं दे छड्डी। प्रगट सिंह ने इस संबंधी एक ट्वीट किया, ट्वीट करके लिखते हैं कि जेकर अरविंद केजरीवाल तो भगवंत मान के दावे सच्चे ने कि वह भगत सिंह के सुपन का पंजाब सिरजना चाहते हैं तो उन्होंने लुधियाना के दागी व्यापारी संजीव अरोड़ा के वख-वख धंधियां ते जायदाद के सौद्यां संबंधी समाबद्ध अते सुतंत्र जांच शुरू करवानी चाहिए है। संजीव अरोड़ा नूं पंजाब तो राज्यसभा मैंबर के उम्मीदवार वजों नामजद किया गया। आप नूं स्वै पड़चोल करन दी लोड़ है कि आखिर क्यों दो गैर पंजाबियों नूं पंजाब की नुमाइंदगी करन दे लई राज्यसभा भेजा जा रहा है। बल्कि 23 मार्च में भगत सिंह का शहीदी दिहाड़ा है। पहला किए गए गलत कामों नूं सही करन दे लई मैं भगवंत मान नूं चुनौती दिना हाँ कि जो उन्होंने दावा किया वह करके विखाउण, नहीं तो ना सिर्फ एक सच्चे शहीद के नाल सगों पंजाब की जनता के नाल भी वड्डा धोखा होवेगा। यह ट्वीट किया प्रगट सिंह ने।